नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल सी पीईटी भर्ती 2021 दोस्तों एक बार फिर से इसका मुद्दा गर्मा गया है पीटी भर्ती परीक्षा लीक के मामले में। सबको पता है दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं कि आपकी पीटी भर्ती परीक्षा 2021 दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, बहुत सारे न्यूज के माध्यम से, बहुत सारे दोस्तों आपने ट्विटर के माध्यम से और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों सबको पता है। थोड़ा सा दोस्तों आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा फीवर हुआ है, तो थोड़ा सा इस कॉपरेट करिएगा, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो आपके लिए काम की जानकारी दोस्तों सबसे पहले आपको पहुँचा रहा हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचता रहे, ठीक है दोस्त। और दोस्तों सारी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा आज, जो हमारा परसों ट्विटर अभियान होने वाला है उस पर, और कल शाम को दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं इस पर डिस्कस करूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कल शाम को दोस्तों हमारा 5 बजे दोस्तों ताली थाली का दोस्तों एक महाअभियान चलाया गया, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं उनसे निवेदन है, ठीक है, उनसे निवेदन है कि कल ताली थाली में सभी लोग भाग लेंगे। 5 बजे शाम को 5 बजे दोस्तों अपने घर से बाहर निकलेंगे, अपने सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तों जो भी आपकी फेसबुक आईडी हो या फिर इंस्टा आईडी हो, आप अपना एक वीडियो शूट करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कलेक्ट होकर कल 5 बजे दोस्तों शाम को ताली थाली बजाएंगे, ठीक है। थाली लेकर आपको बजाना है दोस्तों, हमें गवर्नमेंट को दिखाना है दोस्तों। इस पर बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जो आपकी पीटी भर्ती परीक्षा 2021 दोस्तों इस पर दोस्तों यहां से खबर आ रही बच्चों के द्वारा कि कुछ बच्चे दोस्तों प्रधानमंत्री को दोस्तों खत लिखे हैं, ठीक है। पूरी भर्ती प्रक्रिया पर इनका कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ये यूपी ट्रिपल सी पीईटी की भर्ती आई है, इसमें बड़े लेवल पर धांधलेबाजी के आरोप लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा परीक्षा लीक हुई है, प्रश्न पत्र बाहर वायरल हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और फिर सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म थे उसके माध्यम से पेपर आपका वायरल हुआ है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी गई है बच्चों के द्वारा दोस्तों, कल मैं आपको वो चिट्ठी भी दिखा दूंगा कि वो क्या क्या बातें लिखी गई। यही सारी बातें लिखी गई है कि जितने भी आपकी परीक्षाएं हो रही, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो या फिर खासकर स्टेट लेवल पर जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उनसे धांधलेबाजी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस पीटी भर्ती पर कुछ ना कुछ संज्ञान लें, या तो इस पीटी भर्ती को कैंसिल करके लेखपाल की भर्ती में बैठने को सबको मौका दिया जाए, या फिर इस पीटी भर्ती परीक्षा को दोबारा कराया जाए, ठीक है दोस्तों। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने भी एक खत लिखा था, एफआईआर दर्ज कराया था, और ये दोस्तों दिन ब दिन दोस्तों ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। सबको पता है कि भर्ती परीक्षा में दोस्तों धांधलेबाजी के बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, और भर्ती बोर्ड है कि इसको झुकने का नाम नहीं ले रहा है और आपकी पीटी भर्ती परीक्षा दोस्तों कैंसिल नहीं करा है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि प्रधानमंत्री जी तक दोस्तों आपकी बात पहुंचा गई है, और पत्रों की संख्या दोस्तों लगभग 100 से 150 लोगों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, जो बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने 100 से 150 पत्र लिखा है। देखते हैं उसका फीडबैक क्या आता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये हमारा जो मुद्दा है एक बार फिर से गर्मा गया है, इसीलिए कल के दिन हमने 5 बजे शाम का टाइम रखा है कि सभी लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे और ताली थाली लेकर, ठीक है, ताली थाली लेकर दोस्तों हम बजाएंगे और अपना विरोध जताएंगे कि जितनी भी वैकेंसीज आने उस पर आप पेपर निष्पक्ष कराइए, ठीक है। तो जो लोग हमारे साथ हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हम साथ हैं और कल शाम 5 बजे आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो यही थी जानकारी दोस्तों, प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंच गई है, और देखते हैं दोस्तों इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। जैसे दोस्तों यहां पर पत्र का कोई भी रिप्लाई आता है, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि एकमात्र चैनल अगर आप लोग साथ देंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है दोस्तों आप लोगों को साथ देने में, तो सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक भी कर देना, लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो। तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में खुशियों से संपन्न रहें, आप जो भी वैकेंसी की तैयारी करें आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए।